हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे लिंक्डइन हमारे लिए प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाने में हेल्पफुल है और कैसे लिंक्डइन के थ्रू हम प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर कंपनी पेज कैसे बनाया जाए और क्यों ज़रूरी है कंपनी पेज। विथ ओवर 225 मिलियन मेंबर्स, लिंक्डइन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क, शोकेसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अट्रैक्टिंग न्यू टैलेंट, मोस्ट एफिशिएंट वे टू मैनेज योर नेटवर्क। दोस्तों, लिंक्डइन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है। 225 मिलियन मेंबर इसके ऊपर एक्टिव हैं। तो आप एक तरह से समझ ही सकते हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को यहाँ पे शो करते हैं तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। आप यहाँ पे ना केवल अपने प्रोडक्ट एंड जो सर्विसेज हैं उनको यहाँ पे दिखा सकते हैं, बल्कि आप न्यू टैलेंट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। हर एक कंपनी में जरूरी नहीं कि 100% जो टीममेट्स है या मेंबर्स है या एम्प्लॉयज़ हैं वो 100% वो एक्सपीरियंस पर्सन हो। कंपनियों को फ्रेशर की भी रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को मॉडरेट लेवल की एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को हाईली एक्सपीरियंस पर्सन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो लिंक्डइन एक अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप न्यू टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है जो न्यू टैलेंट आता है वो एकदम जोश के साथ काम करने आता है, तो कई बार वो आपको ज़्यादा फायदा दे देते हैं बजाय कि एक एक्सपीरियंस पर्सन फायदा दे। नो डाउट एक्सपीरियंस पर्सन की वैल्यू होती है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप न्यू टैलेंट को हमेशा नज़रअंदाज करें। तो न्यू टैलेंट को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, और सबसे एफिशिएंट वे है जो आपके जो नेटवर्क है उसको मैनेज करने का। तो बेसिकली आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को अच्छे लेवल तक बढ़ा सकते हैं। एंड ये क्लियर है कि लिंक्डइन के ऊपर अगर आपने कंपनी का पेज बनाया है तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर कंपनी का पेज कैसे बनाया जाए, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू स्क्रिप्टेक की ऑफिशियल प्रोफाइल ओपन हो रखी है। अब मुझे मान लीजिए कोई नया पेज ओपन करना है या नया कंपनी पेज बनाना है, तो मैं जाऊँगा इंटरेस्ट में एंड फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा कंपनीज पे। अगर मुझे कंपनी की बजाय ग्रुप बनाना है तो मैं यहाँ पे ग्रुप पे सेलेक्ट करूँगा। फिलहाल मैं कंपनीज की बात करता हूँ। जैसे ही कंपनीज पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है जो कि है डब्ल्यू स्क्रिप्टेक का। अब मुझे नया पेज अगर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करूँगा। एंड जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो ये मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जस्ट लाइक अ प्रोफाइल पिक्चर, या फिर आप कह दीजिए समरी, या फिर कोई स्किल जो भी है आपकी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझसे मांगेगा। जैसे ही इसने सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी और मैंने उसको फिलअप किया, उसके बाद मेरा एक कंपनी का पेज बनेगा। वो कंपनी का पेज शो करेगा कि मैं किस लेवल तक का पर्सन हूँ या मैं किस लेवल तक की कंपनी हूँ, ठीक है। तो ये जैसे कंपनी का नेम और ईमेल आईडी मांगेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो हमारा एक कंपनी पेज बन जाएगा। एंड बाकी की जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो जरूर हमें अपनी फील्ड में भरनी पड़ेगी या समरी दिखानी पड़ेगी। बट यहाँ पे जो ईमेल आईडी आएगी, वो ईमेल आईडी जनरली आप जीमेल, लिंक, याहू या ऐसी जो मेल आईडी आप यूज़ लेते हैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे कंपनी की ऑफिशियल मेल आईडी होगी, जैसे कि info@wscriptech.com, info@xyz.com, info@abc.com, यानी कुल मिला के कंपनी की जो ऑफिशियल आईडी होगी वो यहाँ पे जरूर आएगी। एंड अगर आप लिंक्डइन के ऊपर नए हैं तो आपको एक वीक तक रुकना पड़ेगा। एक वीक के बाद आप यहाँ पे अपनी कंपनी का जो पेज है वो क्रिएट कर सकते हैं, उससे पहले आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपको एक वीक तक रुकना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे कंपनी का पेज और अपनी जो ऑफिशियल मेल आईडी है वो, एंड देन यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे ही आपने वेरीफाइड करा दिया, वेरीफाइड कराने के बाद आप अपनी कंपनी की जो बेसिक डिटेल्स होती है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और जैसे ही आपने मेंशन किया, जैसे कि कंपनी किस टाइप की कैटेगरी है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एंड कंपनी की जो समरी है वो क्या होनी चाहिए, कंपनी का जो बैनर है वो क्या होना चाहिए, सारा कुछ आप यहाँ से मेंटेन कर रखें। अब कई सारे ऐसे पीपल होते हैं जो आपको फॉलो करना चाहते हैं या जो आपसे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो आपके कंपनी के पेज को फॉलो कर सकते हैं। या फिर कहीं ऐसे जो आपके टीम मेट्स है या मेंबर्स है, एम्प्लॉयज़ है, वो मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में, ताकि उनके कनेक्शन भी ये देख सके कि आप किस कंपनी में प्लेस्ड हो और आपको और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। एंड टाइम टू टाइम अगर आप एक्टिविटीज़ करते जाते हैं, जैसे कि किसी भी टाइप की आपकी कंपनी में एक्टिविटीज़ हो रही है जो, या कोई आप वीडियो या टेक्स्ट कंटेंट शेयर करना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं एंड फिर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करा सकते हैं। एंड दोस्तों, आप कोई भी टाइप की इमेज या वीडियो अटैच भी कर सकते हैं बाकायदा, ताकि आप और ज़्यादा पीपल को एनहांस कर सकें। अगर आपको किसी भी टाइप, मान लीजिए आपको इस कंपनी के पेज में कोई और रोल एड ऑन करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप एक प्रोफाइल से नहीं, मल्टीपल प्रोफाइल से इस पेज को यूज़ करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं, या किसी और को भी एडमिन बनाना चाहते हैं, तो आप इस एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे जैसे ही आपने क्लिक किया,
सबसे नीचे आएगा कम एडमिन रोल या इस टाइप से करके कुछ आएगा, वहां पे आप उस पर्सन का नाम लिख लीजिए जिस पर्सन को आपको एडमिन बनाना है। ये देखिए यहाँ पे उस पर्सन का नाम आ जाएगा एंड वो पर्सन बन जाएगा इस पेज का एडमिन। अगर आपको किसी भी टाइप के और जैसे कंपनी का नाम, समरी, जो डिफॉल्ट लैंग्वेज, कैटेगरी, यूआरएल आपकी वेबसाइट का, कंपनी में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, वो सब कुछ, ये सारा कुछ अगर आपको मेंशन करना है तो आप इस एडिट पे मेंशन कर सकते हैं। कंपनी का लोगो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो बैकग्राउंड इमेज है उसको आप चेंज कर सकते हैं, एंड अदर जो भी इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू पीपल आपसे कनेक्ट हो सकते हैं वो सारी की सारी आप यहाँ से इंफॉर्मेशन चेंज एंड अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना जो लिंक्डइन का पेज है वो बना सकते हैं ताकि पीपल आपको और ज़्यादा से समझें और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपना लिंक्डइन पेज बना के अपनी टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ करके अपने और ज़्यादा प्रोफेशनल नेटवर्क को बिल्डअप कर सकते हैं। एंड कई ऐसी कंपनीज होगी जिनके पास भी आपकी जो वो भी आपके इस कंपनी पेज को देखेंगे ताकि आपको और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्पफुल मिल सके। तो जेन्यून और सही तरह की और प्रोफेशनल तरीके की आप इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहिए एंड नो डाउट, बिना किसी डाउट के आपको यहाँ से रेवेन्यू जनरेट जरूर होगा एंड अपना प्रोफेशनल नेटवर्क आप बढ़ा सकते हैं। कंपनी की तरह सेम आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर ग्रुप क्रिएट करके आप अपने जो भी कनेक्शन है उसको उसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं एंड हर बार या कभी कभी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। एंड टाइम टू टाइम न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं ताकि आप अपनी जो सर्विसेज है उसको बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि लिंक्डइन के ऊपर कंपनी का पेज कैसे क्रिएट किया जाता है एंड कैसे अपना प्रोफेशनल नेटवर्क और बढ़ाया जाता है। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इवन आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ आप हमारे इन सोशल अकाउंट्स पर कनेक्ट भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉय।